जय मसीह की। आज एक वचन उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और उसका 24वां वचन। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने हनोक को जिंदा ही ऊपर उठा लिया। फिर दूसरा राजा उसका 2वां अध्याय और उसका 11वां वचन। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। यहाँ पर एलिया की बात की। अभी सवाल ये है कि पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के शरीर अलग अलग होते और ये दोनों जो है वो पृथ्वी के ही शरीर में ऊपर चले गए, तो सवाल है क्या ये दोनों वापस भी आएंगे? एक भाई साहब ने सवाल किया है, तो इसका उत्तर जो है वो बहुत ध्यान से आप सुनते रहना और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते रहना। हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय और उसका 50वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। बहुत ही स्पष्ट, लहू और मांस स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, मतलब लहू और मांस जो है वो स्वर्ग में कभी भी नहीं जा सकते। फिर एक वचन में और पढ़ता हूँ जो है भजन संहिता में, भजन संहिता उसका 89 और उसका 48 वचन। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? ऐसा लिखा है, कौन है जो अमर रहेगा और कभी भी नहीं मरेगा? कौन अपने आप को कब्र से बचा पाएगा? ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर आज की तारीख में ये वचन देखो तो ऐसा लगता है कि वचन कहीं गलत तो नहीं, क्योंकि एलिय्याह तो मरे नहीं और हनोक भी मरे नहीं, जबकि ये वचन सभी के लिए है। तो क्या ये वचन गलत है? नहीं, ये वचन गलत नहीं है। लेकिन हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 11वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 3रा वचन। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, 2 गवाहों को मैं भेजूंगा। और फिर आगे हम पढ़ते हैं उसका 7वां वचन। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, मतलब ये 2 गवाह जब अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, मतलब कि मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ये दोनों को मार डालेगा और ये दोनों कोई और नहीं, यही है हनोक और एलिय्याह। वो अभी दूसरी बार आने वाले हैं और वो भी मरने के लिए जो है वो आने वाले। अगर इस वचन की सच्चाई और डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हो तो जो स्क्रीन पर लिंक जा रही है उस लिंक पर आप जाओ और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये लिंक रखता हूँ, तो उसमें भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो और ये किस तरह से होगा ये आपको पता चल जाएगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।